कोई बिजनेस आप करते हो तो उसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, उसमें से सात कार्य जो है वो मेन है, या कोई भी बिजनेस को हम सात कार्य में डिवाइड कर सकते हैं। वो है नंबर एक मार्केटिंग, नंबर दो सेल्स मतलब बिक्री, नंबर तीन है सिस्टम्स या ऑपरेशंस, नंबर चार है टीम्स टीम डेवलप कर, नंबर पांच है अकाउंट्स, नंबर छह R&D और नंबर सात है स्ट्रेटेजी विवरचना करना। अब मार्केटिंग जो है मतलब अपना प्रोडक्ट का ज्ञान लोगों को देना, विज्ञापन करना और वहां से लोगों के दिमाग में अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में जानकारी निर्माण करना, जानकारी देना और मार्केट में अपना एक स्थान प्रस्थापित करना, ताकि वो प्रोडक्ट की जरूरत लोगों को लगे तो आपका नाम पहले आना चाहिए, तो उसके लिए ब्रांडिंग करना। तो अभी आपको ये देखना है नंबर एक मार्केटिंग में आपको क्या रुकावटें आती है कि आपके बिजनेस के मार्केटिंग करते नहीं हो, नंबर एक। अभी सेम सवाल, सरी का सवाल हम अलग अलग जो फंक्शंस उसमें पूछ सकते हैं, जैसा नंबर दो कि आपको क्या रुकावटें आती है, आपको क्या रुकावटें या कौन सी रुकावटें आती है कि आपके बिजनेस में बिक्री के लिए आप तैयार नहीं हो, या बिक्री जितने जोर से करना चाहिए, तेजी से करना चाहिए, उतनी बिक्री आप तेजी से करते नहीं हो। नंबर तीन सिस्टम्स है या ऑपरेशंस है कि आपको क्या रुकावटें आती है कि आपके बिजनेस में सिस्टम्स तैयार नहीं कर रहे हो या ऑपरेशंस तैयार नहीं कर रहे हो, प्रोसीजर्स SOPs है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस तैयार नहीं कर रहे हो, कौन सी रुकावटें। तीसरा चौथा जो फंक्शन है जो है टीम डेवलपमेंट, कि आपको कौन सी रुकावटें आती है कि आपकी टीम बिल्ड नहीं करते हो या बिल्ड करने में कौन सी रुकावटें आपको आती है टीम बिल्डिंग में। पांचवा अकाउंट्स, उसमें भी लिखो कि आपको कौन सी ऐसी रुकावटें आती है कि आप वही खाता नहीं लिखते हो या हिसाब किताब नहीं लिखते हो, ऑनलाइन कंपटीशन अपने इनकम का नहीं करते हो, इनकम एक्सपेंडिचर में बराबर आप माहिर नहीं हो या उसमें देखते नहीं हो, या फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हो, कौन सी रुकावटें आपको आती है। नेक्स्ट छठवा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आपके बिजनेस में रिसर्च करना है, खोज करना है नए नए प्रोडक्ट। अभी जमाना ऐसा है कि हर रोज कुछ तो भी नया प्रोडक्ट हर बिजनेस में आता है, एक फोन आप लो तो कल वो फोन पुराना हो जाता है, कार अभी आप एक लो 8 दिन के बाद में और नई कार आ जाती है, तो हमको नए खोज करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो आपको कौन सी रुकावटें आती है कि आपके बिजनेस में खोज नहीं करते हो, नया रिसर्च नहीं करते। और नंबर सात व्यूहरचना स्ट्रेटेजी, कि आपके बिजनेस में ऐसी कौन सी आपको रुकावटें आती है या आपकी क्या रुकावटें है कि आपके बिजनेस में व्यूहरचना नहीं करते हो, स्ट्रेटेजी तैयार नहीं करते हो। तो ये सवालों के जवाब आप, सातों के सवालों के जवाब आप लिखते हो तो आपको काफी सारा उसमें समझ में आएगा कि आपकी रुकावटें कौन सी है, क्या बैरियर्स है, आप क्यों रुक रहे हो। और वो यदि रुकते हैं आप, वो मालूम पड़ा आपको कि कहाँ कहाँ रुक रहा हूँ मैं, कौन सी रुकावट है, तो आप उसके ऊपर फिर सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हो डेफिनेटली। फिर बाद में बात करेंगे हम सॉल्यूशंस की, उसमें सॉल्यूशंस क्या है। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।